हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं अल्पेश जोशी आपका अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत अलग और हटकर टॉपिक लेके आया हूं, जिसमें आज आपको बताना चाहूंगा साइमन लाइन के बारे में, यानी सिमन रेखा। आप इसे कह सकते हैं साइमन रेखा, इसे आप कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस रेखा का कमाल ऐसे, सबसे पहले बता दूँ, ये जिस भी व्यक्ति के हाथ में हो, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल, इनका नेचर, इनकी पर्सनैलिटी मैं आपको सब बताऊँगा, इनकी सोच, थिंकिंग, किस चीज़ में सक्सेस मिल सकती है इनको, ये भी बताऊंगा। तो दोस्तों, ये रेखा मैंने अपनी लाइफ में बहुत कम लोगों के हाथों में देखी है, बट देखी है तो 5 या 6% लोगों के हाथों में ऐसी रेखा अधिकतर पाई जाती है। वैसे तो बहुत लोगों के हाथों में होगी, अगर आपके हाथ में है तो आप देखना अपना स्वभाव, ठीक है दोस्तों। जहाँ तक मैंने इसके रीड किया है, स्टडी किया और प्रैक्टिकली देखा है लोगों के हाथों में, ये रेखा हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा, मतलब जब देखिए सामान्य लोगों के हाथों में एक हृदय रेखा होती है, एक मस्तिष्क रेखा होती है और एक जीवन रेखा, आप देखना। बट इसमें कुछ हटकर होता है, इसमें बिल्कुल सीधी एक रेखा होती है, ना इसमें मस्तिष्क रेखा दिखेगी, सिर्फ जीवन रेखा दिखेगी और कुछ नहीं दिखेगा। तो ये जो रेखा है, ऐसे कहते हैं सिमन रेखा, मतलब इसमें आपका हार्ट लाइन भी कनेक्ट हो जाता है और माइंड लाइन भी। ये मस्तिष्क रेखा के इधर भी बन सकती है, हृदय रेखा के इधर कहीं पर भी बन सकती है रेखा, पर ऐसे लोगों का माइंड और हार्ट कनेक्ट होता है एक तरीके से। इनका स्वभाव मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले, आपने जिस भी व्यक्ति के हाथ में पाई, ऐसे लोग दी स्वाभाविक होंगे, आप देखना कभी भी दोस्तों। दी स्वाभाविक यानी आप इनके स्वभाव का कभी भी, इनके नेचर का पता नहीं कर पाओगे। जैसे कहते हैं मिथुन लगन, कन्या लगन वाले दी स्वाभाविक टाइप के होते हैं, वैसे ये दी स्वाभाविक होते हैं थोड़े। इनके स्वभाव, इनके नेचर का आप पता नहीं कर सकते, कब हंस जाए, कब कैसे हो जाए, इनकी एक ये होता है इनके अंदर। किसी का बातों का हाल बुरा लग जाना इनके अंदर एक ये भी रहती है। बट देखा गया कि ऐसे लोग अपन से बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत माहिर होते हैं। इनकी थिंकिंग, इनकी सोच, ये अगर किसी भी चीज़ के पीछे एक बार पड़ जाएंगे तो उसको डीपली एनालिसिस करेंगे या डीपली एनालाइज करके ही छोड़ेंगे। जब तक वो काम पूरा नहीं होगा, कोई भी काम करते हैं ये करने लग जाते हैं, तो हाँ ठान लिए करना है तो करना है और रुकना नहीं है। और अगर इन लोगों की सक्सेस देखी जाए दोस्तों, तो मतलब जो बहुत ज़्यादा ही रिसर्च जैसी फील्ड हो गई, या जिसमें बहुत ज़्यादा ही छानबीन वाले करने जो चीज़ें होती हैं उसमें, या ये बहुत अलग हटकर इनकी सोच होती है। मतलब अपन सामान्य लोगों का हार्ट लाइन माइंड लाइन कनेक्ट नहीं होता, अपनी सोच अलग होती है, जैसे हृदय रेखा हमारी इमोशंस के फीलिंग है, बट इनके अंदर इमोशंस फीलिंग। और अगर इनका लाइफ पार्टनर होता है ना, तो अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी थोड़े उस तरह से रहेंगे। मतलब अब मैं आपको दोस्तों इस तरह से बोलूं कि इनकी जो सोच होगी अपने लाइफ पार्टनर से भी, वो भी थोड़ी अलग सी होगी। अंडरस्टैंडिंग बैठने में भी, थोड़ी तालमेल बैठने में भी दिक्कत आती है ऐसे लोगों को लाइफ पार्टनर से बात, अगर हाथ में कुछ अच्छे चिन्ह हो तो अच्छी बैठ जाती है। तो दोस्तों, बस यही कुछ जानकारी थी सिमन लाइन के बारे में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर भी एक नया व्यूअर है तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। जब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।